अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? पर ठीक ही वे, तबीयत से ठीक है, तुम्हारी फिट फाट ही वे, खैर खरीयत है। इन टाइम मैं थकूँ जी शख्सियत ना मिले ना पियाँ, वो एक नौजवान इन पर ठीक है, नौजवान शख्स है पिया, उन्हें बाद शायर है पिया, जो कि यंग जनरेशन काफ़ी उनको सुन दी है, उन्हें बाद उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी भी है, जेडे जरा मुख्तलिफ शहर सुना में हो, डीजी खान थी गया, कोट मिटन थी गया, उन्हें बाद तोसा थी गया, लिया थी गया, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, हद तक के बै भी बहुत सारे शहर हैं जितना उन्होंने बहुत ज़्यादा फेम भी मिली है। मशहूर भाई जान, क्या हाल है? ठीक है। एक कुमैल भाई हैं सही, कुमैल भाई खैर खरीत है? ठीक हो, अल्लाह ठीक है। कितना ही अजकल क्या मसरूफियात हैं तुम्हारे? बस तुम्हारे सामने सही, हम तो जरा करोना हाल कि हर हर बंदा अच्छा ठीक है जबरदस्त। ये दसाओ के कुमैल भाई के तो कुछ शेर व शायरी का शौक कड़ने को शुरू था, तो किमें शुरू था भैया? मंसूर मलंगी एक तरह बहुत बड़ा गुरुकार गुजरे, वो कुछ सुन दिया थे उनके गाने जो है फिक्रे कहीं बह के आगे भला सारे एक भाई हैं वो टिकटॉक नवी नवी है, यो आ दिन बिसाखुई में तुझा वीडियो दीती करो रोजाना दी एक शेर व शायरी दी। अच्छा तो एक वीडियो में बनाई एक दोस्त थी में एक जोड़ा में आख्या हा पहला मतलब सुने था भला एक दोस्त में को वीडियो अपना शेयर भेजा भी है मेरे ना नाला ठीक है। हाँ बाकी तुझा ये नहीं करने वे के लोग इन फरमाइश होती है जिम्मे आदम की सारी फरमाइश से पढ़ाओ, बहुत सारे मतलब के लोग उन्होंने जो आदम सारी फरमाइश करो सारी फरमाइश करो, तुसा बकायदा उन्हें फरमाइश के मुताबिक उन्होंने कुछ शेयर वगैरह बढ़ा के पोषण करने वे बस उठो काम शुरू किया फिर मैं चला थे अलहमदिल्ला अल्लाह पाक बड़ी इज्जत की थी तुसा गिराने की वजह के ना सही है कि मैं दोस्तों का बहुत बहुत मुहब्बत है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जड़े शायर हजरात हुंदन या गुलुकार हुंदन इन्हें दा एक वजह होंगी है कि कोई एक को हादसा वगैरह थे इश्क दा वो तारे नाल थे या शौक पैदा था या अपना आप ही क्या सीन बड़े ना सही ना इश्क वगैरह वाला कोई हादसा कह नहीं एक सारी सकाफत है छे चीज़ सराय की सकाफत है जी बिल्कुल सराय की चीज़ा सारे वसीब दा सकाफत को लफ्ज़ें बयान कर शेर व शायरी या नज़में उतो एक शौक दें तो बाकी कोई ऐसी गाल नहीं। ठीक ठीक ठीक। बाकी ये दसो कि स्टडी वगैरह करने पे छोड़ दी वे या कितना तक स्टडी की थी वे? मैं स्टडी छोड़ दी थी आई। अच्छा भला हूँ मैट्रिक क्लियर की थी है भला हूँ सेकंड ईयर इसमें। हाँ अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी भी जारी है। ठीक हो गया। तो बेसिक तरी रिहाइश कितना है? बेसिक सारी रिहाइश सिनेमा कने अगो एक चौक आने टीबी मोची वाला ठीक है वो कहने छपरी अड्डा मशहूर है तुम्हारे कोटा दू कहने पहले बिल्कुल वो कहने तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर वो सारी रिहाइश है। अच्छा गुरमानी फैमिली नाल ताल्लुक है। सही सही ते आजकल मैं मुजफ्फरगढ़ रहा वे जी हाँ मेरे वाले साहब की जॉब है मुजफ्फरगढ़ ठीक है हरमल मुजफ्फरगढ़ उतना वाला सरकारी जॉब के हवाले ना सब उसे सरकारी मकान मिले हो रिहायश सही हरमल कलोनी है। ठीक ठीक जबरदस्त जबरदस्त जी हाँ माशाल्लाह बसते रहो सही हफ्ता ते बाकी ये दसो के शेर व शायरी वगैरह कहीं की कापी करें वे या कुछ आप या मेरा मैं तकरीबन लिखे हुए गिने चुने टोड़े लिखे। अच्छा कुछ चांद या तुम्हारा फेवरेट शायर कड़ा है? सारा फेवरेट शायर है सही मखमूर कलंदरी माशा रशीद पुश्तर थी गया ते बाकी ये उन्हें लिखे हुए हैं समझो आवाज़ देने उन्होंने अल्फाज ठीक है ठीक है। कल ईद है भाई ईद कितना मनावण का मूड है तुम्हारा तो प्रोग्राम वगैरह डन हो सारे ऑलरेडी भैया जड़े हालात हैं प्रोग्राम तो बहुत हैं लेकिन हालात हुकूमत के सामने कौन जोर आवर है सही हर रहे हाली तक का इरादा देखो बाकी मजीद ठीक है। तो बाकी हूँ कोई ईद के हवाले से कौन एक दो डोड़े या कोई शेर ऐसे सुनवाओ खड़ा है कहीं चीते दुख थैत गरीब गुजर वैसी वो कहीं दो डेक सी महफिल वेच सारी वत भी दीद गुजर वैसी रमजान दे बाद वला कहीं दी सब आस उम्मीद गुजर वैसी ओ वलसी दिल भर ना वलसी शोदिये भी ईद गुजर वैसी। क्या बात है कुमार खान मोहता सर ये एक हफ्ता ईद के हवाले ना सब सुनने जो जेड़ा गल किया पौंदे पौवांडे
ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਜਿਗਰ ਦੇ ਧੋਵਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀਏ ਖੈਰ ਦਾ ਲੰਘ ਵੇਚੀ ਤੂੰ ਈਦ ਮਨਾਤਾ ਗੁਰੂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪਿਆ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਸਹੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਜਨ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਇਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਤਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਵਣ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਵਣ ਦਾ ਹਾਲ ਭੇਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਤੂੰ ਮਿਹੜ ਤੈਲੋ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਗਾਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਦੀਵਾਲ ਭੇਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਜੋ ਤੈ ਕੋ ਟੱਕਰੋ ਤੇਰਾ ਟੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸੋਕ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਜੋ ਤੈ ਕੋ ਟੱਕਰੋ ਤੇ ਤੇਰਾ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਸੋਕ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੋ ਜੇ ਕੂੜ ਸੱਚੇ ਜਾਲ ਭੇਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਈਦ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਈਦ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਜੋੜੇ ਰੁਮਾਲ ਭੇਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਥਈ ਅਚਾਨਕ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਥਈ ਅਚਾਨਕ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਸਾਵਲ ਅਸੇਜ ਤੇਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ ਜੇ ਊਂ ਨਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਲੋਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਥਾਲ ਭੇਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਆਖਰੀ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਸਭੇ ਮਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਸਭੇ ਮਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰੇ ਖਤਾ ਦੀ ਹੱਥ ਬੱਧ ਮਜਾਲ ਭੇਜਾਂ ਜਵਾਬ ਬਸ ਬਸ ਕਰੋ ਭਾਈਜਾਨ ਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਰਨ ਪੈ ਈ ਟਾਈਮ ਇਖਤਿਤਾਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਈ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਾਇਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।